नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या भादू, बच्चों का सर्जन और बच्चों का यूरोलॉजिस्ट, सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मेरी सारी जो है डॉक्टरी की पढ़ाई एम्स नई दिल्ली से है, MBBS भी, और 6 ईयर का जो स्पेशल कोर्स होता है सुपर स्पेशलाइजेशन का, बच्चों की नवजात शिशु की सर्जरी का और बच्चों की मूत्र रोग विशेषज्ञ का जो कोर्स होता है वो भी एम्स नई दिल्ली से ही है। उसके बाद मैं अपोलो लुधियाना हॉस्पिटल में कार्यरत था, एम्स जोधपुर में भी मैंने अपनी सेवाएं दी है, और अब मैं सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में पिछले साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई बच्चे को कोई सर्जरी वाली दिक्कत होती है या मूत्र रोगों से संबंधित उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारे अस्पताल में क्या सुविधाएँ हैं और किस तरीके से हम कम्फर्टेबली बच्चे को क्वालिटी ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। मैं बेसिकली आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी कोई बच्चा होता है, जैसे कॉमनली हर्निया की दिक्कत होती है या नवजात शिशु में किसी का खाने का रास्ता नहीं बना होता जन्म से या पोटी का रास्ता नहीं होता है, तो कुछ केसेस इमरजेंसी के होते हैं और कुछ केसेस रूटीन सर्जरी के होते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, पहले मैं बात करूँगा रूटीन केसेस की। तो OPD में बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं, हम बच्चे का पूरा जो जाँच करवानी होती है वो सारी प्रक्रिया पहले पूरी कर लेते हैं। बेहोशी के डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर मुकेश शर्मा जी बच्चों के बेहोशी के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको हम बच्चे को पहले दिखवाते हैं और प्री एनेस्थीसिया जो क्लियरेंस होती है बेहोशी से पहले की वो ले लेते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा फिट होता है उसको हम बच्चे को भर्ती करते हैं। वो बच्चा अगर बहुत छोटा है, 30 दिन से कम है, तो NICU में भर्ती होता है जो नवजात शिशु की ICU है, अदरवाइज वो वार्ड में या अपना जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम में अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो बच्चा भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी जो भी रिक्वायर्ड जांचें होती है हॉस्पिटल में भर्ती के बाद वो करवाई जाती है। आजकल क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम कोविड की पहले जांच करवाते हैं, कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होते हैं तो ही हम रूटीन सर्जरी करते हैं। तो अब बच्चा जब भर्ती हो चुका है उसके बाद सारी प्रेपरेशन कर ली गई है, तो ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, इसके अंदर जो है बच्चे की सर्जरी की सारी प्रक्रिया होती है और आगे हम आपको अपनी पूरी टीम से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी हम 8th फ्लोर पे हैं। 8th फ्लोर पे हमारे सारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 3 हमारे मेजर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उनमें से एक थिएटर में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। ये हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन थिएटर है। इसके अंदर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है बच्चों की सर्जरी के लिए और बच्चों की मूत्र रोगों की सर्जरी के लिए स्पेशली, और हमारे पास एडवांस इक्विपमेंट्स है। बिल्कुल नवजात शिशु जो जस्ट पैदा हुआ बच्चा है उससे लेके 18 साल तक के बच्चे की हर तरह की सर्जरी करने के लिए। ये हमारी बच्चों की दूरबीन की जो सर्जरी होती है, बच्चों की सर्जरी और बच्चों की मूत्र रोगों की सर्जरी स्पेशली, उसकी मशीन है जिसे लेप्रोस्कोपी भी बोल देते हैं मेडिकल की भाषा में। तो इसका मेन फायदा यही होता है कि बच्चे में छोटे से छोटे चीरे से सर्जरी करी जा सकती है। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बच्चे की जब कोई भी सर्जरी होती है, चाहे वो नवजात शिशु हो चाहे वो 18 साल तक का बच्चा हो, उसको बेहोशी की दवाई देनी पड़ती है। तो ना उसे कोई दर्द होता है ना बच्चे को पता लगता है कि क्या हो रहा है। इसके लिए जो बेहोशी की मशीन होती है, ये मशीन यूज़ करी जाती है। पहले बच्चे को बेहोश किया जाता है, सांस की मशीन पर डाला जाता है और उसके बाद हम लोग सर्जरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये बच्चों की सर्जरी और बच्चों के मूत्र रोगों की सर्जरी का डिपार्टमेंट है, हमारा ऑपरेशन थिएटर है ये, और इसमें हम बेसिकली पीडियाट्रिक जो यूरोलॉजी में या बच्चों की मूत्र रोग सर्जरी के लिए स्पेशल दूरबीन यूज़ होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जन्मजात से लेके 18 साल तक के बच्चे की सांस की नली की जांच, जिसे ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, वो उपलब्ध है। और साथ में बच्चे कई बार आपको पता है गलती से या दूसरा बच्चा मुंह में डाल देता है या खाते हुए, जैसे बच्चे कोई चीज़ सांस के रास्ते में अटक गई, और कई बार दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि वो बच्चे हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाते, तो उस केस में इमरजेंसी जान बचाने के लिए जो सर्जरी करनी पड़ती है दूरबीन की, तो उसके इक्विपमेंट भी जो हमारे पास पूरी फैसिलिटी 24/7 उपलब्ध है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, हेड एनेस्थीसिया, सूर्या हॉस्पिटल जयपुर। हमारे यहाँ पर बच्चों की सारी सर्जरी अच्छी तरह से की जाती हैं। बच्चों के एनेस्थीसिया के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। बच्चों में इमीडिएटली जो बर्थ हुआ बच्चा है से लेकर के
कितने भी साल तक के बच्चों की सर्जरी और एनेस्थीसिया बहुत आसानी से दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास बच्चों की जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए वो सब सुविधाएं हैं। बच्चों का एनेस्थीसिया भी पहले की तुलना में बहुत सेफ हो गया है। हर तरह के हाई रिस्क केस हम लोग कराते हैं। हमारे पास हमारी सपोर्ट के लिए NICU की टीम, PICU की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है और हमारे एनेस्थीसिया की टीम भी हमेशा पूरी रहती है। हमारा OT स्टाफ पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए, हमारा OT टेक्नीशियन पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए पूर्ण रूप में ट्रेंड हैं। सब तरह की सुविधाओं से युक्त है सूर्या हॉस्पिटल। ये हमारी पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर की पूरी टीम है और इसी टीम के हर मेंबर की योगदान की वजह से हम सक्सेसफुली बच्चों की सर्जरी कर पाते हैं।